सवाल नंबर एक, पानी पीने का सबसे सही समय क्या होता है? सवाल नंबर दो, खड़े होकर पानी पीना खतरनाक क्यों होता है? सवाल नंबर तीन, कम पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर चार, सुबह खाली पेट पानी पीने से क्या होता है? सवाल नंबर पाँच, उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए? सवाल नंबर छः, पेशाब करने के कितनी देर बाद पानी पिए? सवाल नंबर सात, ज़्यादा पानी पीने से क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर आठ, गर्म पानी पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर नौ, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? सवाल नंबर दस, डॉक्टर बैठकर पानी पीने की सलाह क्यों देता है? सवाल नंबर ग्यारह, क्या ज़्यादा पानी पीने से वजन बढ़ जाता है? सवाल नंबर बारह, सोते समय कितना पानी पीना चाहिए? और सवाल नंबर तेरह, खाना खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? सवाल नंबर एक, पानी पीने का सबसे सही समय क्या होता है? दरअसल सुबह उठने के बाद दो गिलास पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत ही सेहतमंद होता है। ऐसा करने से शरीर से दूषित तत्व खत्म हो जाता है और शरीर अच्छी तरह से साफ हो जाता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से कब्ज से भी राहत मिलती है। सवाल नंबर दो, डॉक्टर बैठकर पानी पीने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल पानी बैठकर पीने से पानी सही तरीके से पचकर शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचता है। व्यक्ति की बॉडी को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी सोखकर वह बाकी का पानी और टॉक्सिन यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। बैठकर पानी पीने से खून में हानिकारक तत्व नहीं घुलते बल्कि यह खून साफ करते हैं। घूट घूट कर पानी पीने से पेट में एसिड का स्तर नहीं बढ़ता बल्कि खराब एसिड शरीर से बाहर निकल जाता है। सवाल नंबर तीन, उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए? दरअसल वैसे हर उम्र के हिसाब से पानी की मात्रा भी अलग अलग होती है। अगर वयस्क लोगों की बात करें तो उनके शरीर में 65% पानी होता है जबकि बुजुर्ग लोगों में 50 और बच्चों में 80% तक पानी होता है। यह पानी शरीर की संरचना के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह कई बीमारियों को शरीर से दूर भी रखता है। सवाल नंबर चार, कम पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कम पानी पीने से कई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे सिर में दर्द होना, डिहाइड्रेशन होने पर भ्रम होना, डिहाइड्रेशन के कारण सांस की दुर्गंध होना, कब्ज होना, कम मूत्र का आना, जल्दी थक जाना, मांसपेशियों में दर्द होना और हृदय गति का बढ़ जाना। सवाल नंबर पाँच, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? दरअसल शरीर के वजन का 55 से 60% हिस्सा पानी का होता है। हालांकि महिला और पुरुष में ये अलग अलग होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन के मुताबिक एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 8 गिलास या फिर 2 लीटर पानी पीना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, आपका भोजन भी आपके जल योजन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन तरल पदार्थ के तौर पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर छः, खड़े होकर पानी पीना खतरनाक क्यों होता है? दरअसल खड़े होकर पानी पीने से फूड और विंड्स पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसका असर न केवल फेफड़ों पर बल्कि दिल पर भी पड़ता है। खड़े होकर पानी पीने से पेट के निचले हिस्से की दीवारों पर दबाव बनता है, जिससे पेट के आसपास के अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस बुरी आदत के चलते कई लोगों को हर्निया का शिकार भी होना पड़ता है। खड़े होकर पानी पीने की आदत की वजह से पानी का बहाव तेज़ी से आपके शरीर से होकर जोड़ों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां और जोड़ों पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है तो पानी बिना फिल्टर हुए निचले पेट की तरफ तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से पानी में जमा अशुद्धियाँ पित्ताशय में जमा हो जाती हैं, जो किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। खड़े होकर पानी पीने से भले ही पेट भर जाए लेकिन व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझाने के लिए बैठकर पानी के छोटे छोटे घूंट पिए। खड़े होकर या जल्दी में पानी पीने से शरीर में एसिड का स्तर कम नहीं होता है। सवाल नंबर सात, सुबह खाली पेट पानी पीने से क्या होता है? दरअसल सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट पानी पीने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं, खून साफ हो जाता है, जिससे सबसे पहला असर आपको अपने चेहरे पर दिखने को मिलता है। कब्ज से परेशान है तो सुबह उठते ही खाली पेट कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीने की आदत डालें। अगर आप वजन जल घटाना चाह रहे हैं तो सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालें। इससे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, जो वजन घटाने और मोटापा कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह उठकर पानी पीने से मासी धर्म, पेशाब, गले और किडनी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सवाल नंबर आठ, पेशाब करने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? दरअसल अगर आप पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमें पेशाब से संबंधित कई बीमारियां घेर लेती हैं। हमें या तो पेशाब जाने से पहले पानी पीना चाहिए या फिर पेशाब करके आने के बाद कम से कम 10 से 12 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। सवाल नंबर नौ, खाना खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए?
दरअसल माना जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से व्यक्ति की पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। खाना खाने के तकरीबन आधे से एक घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पाचन क्रिया कमज़ोर होती है और यह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। वहीं अगर तीखा खाना खा रहे हैं तो घूट घूट पानी पिए। एक साथ ढेर सारा पानी पीने से खाना पचने में दिक्कत हो सकती है। सवाल नंबर 10, गर्म पानी पीने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल जब आप गर्म पानी पीते हैं तो वजन कम होता है। यदि आपके सीने में जकड़न है तो गर्म पानी इस समस्या को ठीक कर देगा। गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर सेवन करने से फैट बर्न होता है। रोज़ाना गर्म पानी के सेवन से चेहरे पर आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती और यह त्वचा में निखार लाता है। गर्म पानी से शरीर आसानी से डिकॉट हो जाता है जिससे पाचन सही रहता है। गर्म पानी बालों के लिए भी उपयोगी है। यह बालों के विकास के लिए अच्छा है और इससे बाल चमकदार भी होते हैं। गर्म पानी पीने से शरीर में रक्त की आपूर्ति बनी रहती है। शीतल पेय के बजाय गुनगुना पानी पीने से शरीर को आसानी से ऊर्जा मिलती है। सवाल नंबर 11, ज़्यादा पानी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल ज़्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। अतिरिक्त पानी को साफ करने की किडनी की क्षमता कम होने लगती है। इससे कोशिकाओं में सूजन हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है। सवाल नंबर 12, क्या ज़्यादा पानी पीने से वज़न बढ़ जाता है? दरअसल पर्याप्त पानी पीने से वज़न नहीं बढ़ता। पानी में कैलोरी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो अधिक मात्रा में कैलोरी की मात्रा लेने से बच जाते हैं जिससे वज़न बढ़ने का जोखिम भी नहीं होता है। सवाल नंबर 13, सोते समय कितना पानी पीना चाहिए? दरअसल एक गिलास गर्म पानी सोने से पहले पीने से स्वास्थ्य और सौंदर्य को फ़ायदा होता है।